गुड मॉर्निंग। भोपू को तो आप पहचानते ही हैं, इसको नल से ही पानी पीना पसंद है। बाय द वे, इसकी बेटी अभी तक मिली नहीं है। हमने उन लोगों को कहा है कि जब भी वो मिले उसको कॉर्नर कर लें एक जगह और फिर हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। ये टोफू है, टोफू ये पेपर खाने के चक्कर में है। टोफू तंग मत कर मुझे। ये चैंप है, चैंप को पालमपुर ले गए थे तो ना इसकी एम्पूटेशन कर रहे हैं, इसकी हड्डी तो जुड़ नहीं सकती, बिल्कुल शैटर्ड है। तो एक बार इसका इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है तो वो कह रहे हैं कि वो इसकी पिनिंग वाली सर्जरी करेंगे, तो लेट्स सी कि क्या होता है। फिर उसके बाद कल जो है एक धर्मशाला से गाय आई है, ये किसी की अपनी गाय है, वो गिर गई है तो उन्होंने छोड़ दी है। तो हमने बोल दिया कि ये गाय नहीं बच सकती, फिर भी क्योंकि आप देखिए ये इतनी बड़ी गाय है, इसका शायद कूला टूट गया है। अब इसको एक बार ही हॉइस पे खड़ा करेंगे। सर, इसका हॉइस पे खड़ा करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? इसको चेक करेंगे कि ये वजन ले रही है अपने उस पे कि नहीं, और एक बार प्रेगनेंसी चेक भी कर लेते हैं। रुक जा, रुक जा। तो प्रेगनेंसी चेक से क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि जब ये जो है प्रेगनेंट हुई हो उसका जो डेट है जो स्टमक पे आया और उसके बाद वो खड़ा ना हो पा रही, कैल्शियम तो कोई दे नहीं रहा होगा। नहीं, इन्होंने तो यही कहा ना कि वो 6 फुट से गिरी है। अच्छा, उन्होंने ये कहा? हाँ। खैर, हम तो ऐसी गाय इस कंडीशन पे लाते हैं कि भाई जब इसकी डेथ होगी तो डेड बॉडी का इंतजाम वो करेंगे, क्योंकि ऑल्दो धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे कोई इंसिनरेटर नहीं है और कोई प्रॉपर प्रावधान नहीं है डेड बॉडी डिस्पोजल का। आपको मैं एक वो एक पैरालाइज कैट भी है, इज शी पैरालाइज? एक पैरालाइज कैट भी है जिसको फ्रैक्चर है, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। जो जब तक उसको ला रही है तब तक मैं आपको दिखाऊं। जो ये है रोहित, इसका नाम पहले बम्पी था, इसका वूंड अच्छे से हील हो रहा है और जैसे जैसे इसका वूंड हील हो रहा है इसका मिजाज संभाव और खराब होता जा रहा है। वेयर इज द कैट? ये जो बिल्ली है इसका नाम हमने झिलमिल रखा है। ओके ओके बाबा, तो व्हाट्स हर प्रोग्नोसिस जो, लाइक कैन यू जस्ट टेल मी एंड देन आई कैन ट्रांसलेट? Yeah, so we're going to do x-rays to find out where the fracture is, and then it's just cage rest and physiotherapy. What about paralysis? The physiotherapy can help with the paralysis, hopefully, but we'll have to heal the fracture first. तो पहले एक बारी जब फ्रैक्चर हील होगा उसके बाद फिजियोथेरेपी पे जाएगी, जैसे कि पर्वत के साथ हो रहा है। ये रोली पोली है, रोली पोली भी मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले आया है। जैसे ये लोग आते हैं ना हम टेलीग्राम पे अपडेट डाल देते हैं, टेलीग्राम पे हमारा पीपल फार्म के नाम से चैनल है, तो हमने झिलमिल का भी वहां पे डाल दिया था और रोली पोली का भी। और उसके बाद जो एक और डॉग आया हुआ है जो कि एक मोटू सा लैब्राडोर है, उसका नाम तरबूज है, मेरे ख्याल से शाइनी उसको यहाँ कहीं घुमा रही है, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बेचारी ये गाय थी वो नहीं बची, इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई है। और गुब्बारा काफ़ी बेहतर है, गुब्बारा हम एक बार डॉग केनल में चलते हैं, वहाँ पे आपको कुछ मैं गुड न्यूज़ भी देता हूँ जो कि उसके बारे में है, बेगम के बारे में। बेगम का पैर पूरी तरह हील हो गया है, अब जो बेगम है रिकवरी केनल्स में नहीं है, इनफैक्ट अब वो अडोप्टेबल्स में है। एंड या बिकॉज बेगम अडोप्ट हो चुका है। ये देखिए गुब्बारा, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैंने आपको कहा था कि गुब्बारा जैसे जैसे इसकी स्किन हील होगी वैसे वैसे इसका मिजाज भी बेहतर होता जाएगा। और देखिए अब इसकी इसने पूंछ हिलानी शुरू कर दी है। पिंकी ज्यादा बात नहीं करता, है आवाज तो कर रहा है। पिंकी भी पहले से बेहतर है। अगले अपडेट में आपको डग नहीं दिखेगा क्योंकि डग की जो बस सर्जरी से हील कर रहा है, स्टरलाइजेशन सर्जरी से। ओके, पर he's bearing more weight on his back legs, so he's getting much better and he's actually walking. पर्वत का जो चलने का वीडियो है ना
वो हम अपने टेलीग्राम पे डालेंगे। वैसे तो हमने बीच में डाला भी था, पर अगर आप लोग आज जुड़ेंगे तो हम पर्वत का एक चलने का वीडियो डालेंगे। पर्वत जो केस है ना, मतलब ऐसे केस से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है कि बिल्कुल चल नहीं सकता था, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी और ये अब चल पड़ा। देवदास पालमपुर गया, देवदास तो देवदास का यही अपडेट है कि ये हील हो रहा है, पर अभी टाइम लगेगा। चितकबरा भी इसी हफ्ते आया है, आया है, आई है, आया है। और चितकबरा के भी सॉरी जस्ट अ सेकंड, चितकबरा वी डिडंट वी टुक चितकबरा टू पालमपुर राइट, लाइक इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्चर। यस इट्स अ फ्रैक्चर एंड दे आर गोइंग टू डू सर्जरी। तो व्हाई इज चितकबरा इन अ स्प्लिंट देन? दिस इज अ स्प्लिंट जस्ट टू होल्ड इट स्टेडी सो दैट टिल द सर्जरी एंड इट डजंट मेक इट वर्स। तो चितकबरा की सर्जरी, अब सर्जरी का यही है कि ये जो सर्जरी है सिर्फ पालमपुर में ही हो सकती है, तो वो जब हमें डेट मिलती है तब तक इसको स्प्लिंट इसलिए लगा हुआ है कि इसका पैर जो है दर्द ना करे, क्योंकि अदरवाइज ये उस पर वेट लेगा और इसको दर्द होगा। अब यही देखिए कि अब ये जो डॉग्स हैं इतने सुंदर हैं, ये अडॉप्ट हो जाएं तो और बेहतर है ना, जबकि होता क्या कि यहाँ से हील होंगे और फिर वो बेचारे वापस सड़क पे जाएंगे और कोई गारंटी नहीं कि अगले ही दिन वापस भी आ जाएं। हे कई तो मतलब कईयों को तो देख के लगता ही नहीं कि ये गली से, मतलब ऐसे ही लगता है कि जैसे किसी के पेट ही होंगे, इतने फ्रेंडली होते हैं। मुझे नहीं पता लोग इनसे इतना डरते क्यों है। और खैर अब जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बेगम डॉली, तेरे से तो कोई बात भी नहीं करना चाहता ना। हे बेगम, कैन यू लेट बेगम आउट? हे बेगम, ये देखिए अब बिना स्प्लिंट के परफेक्टली चलते हुए, और बेगम अडॉप्टेड भी है। वेयर इज बेगम अडॉप्टेड? बेगम दिल्ली जाएगा। और इसी के साथ हमारे जो दो और डॉग्स अडॉप्टेड हैं वो है रिंकी एंड व्हाट इज द लिटिल वन बेगल। खैर तो यहां पे जो हमारे जो इस समय एक जो डॉग अडॉप्टेड नहीं है वो है मीनी। वेयर इज मीनी? हाँ ओके। और मैं देखता हूँ बाहर अगर प्रतिभा तरबूज को घुमा रही है, तो मैं आपको तरबूज से जरूर मिलवाना चाहूंगा। उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स भी हैं और फार्म के भी। फार्म में तो हमारे फाइनली जो ड्रिप इरिगेशन हमने काफी टाइम से अप्लाई कर रखी थी वो लगना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ इतनी देर में, शायद प्रतिभा भी दिख जाएगी मुझे। यू नो वेयर इज प्रतिभा? या वेयर? मैं आपको ड्रिप इरिगेशन दिखाता हूँ। ये काफी एक्साइटिंग है क्योंकि आजकल क्या है कि जो कूल है, जो हमारा इरिगेशन चैनल जिससे पानी आता है, वो भी पीछे से टूटी हुई है। बरसातें भी लगभग पूरी तरह खत्म ही हैं और इसलिए सारा हमारा जो फार्म है सूखा पड़ा है। तो ये एक मेन लाइन जाएगी, इसमें एक सोलर पंप लगा है पीछे, उससे पानी आएगा और फिर ये उसके बाद हर बेड में दो ये ड्रिप की लाइन्स डलेंगी और इसी के साथ फिर हम सब्जी साग उगा सकते हैं। अब तो इस समय खेत की पूरी सफाई हो रही है, तो पुरानी गर्मी की सब्जियां जा रही हैं और अब हमने सर्दियों की सारी सब्जियां लगानी हैं। बाप रे, तो काफ़ी सारी तोरियां लगी हुई हैं इसमें, तो कुछ तो हम सूखने ही देंगे ना, बीज के लिए भी और फिर इनका लूफा भी बनता है जिससे हम जो हम बेचते हैं, लोग इसको शावर में यूज़ करते हैं। और कंस्ट्रक्शन का जो अपडेट है मैं आपको देता हूँ। पीछे हम पत्थरों का एक रास्ता बना रहे हैं ताकि बरसातों में दिक्कत ना हो। ओ और शाइनी की आवाज आ रही है, और ये रहा तरबूज। हे कैन वी सी इफ ही इज फ्रेंडली विद मटको? आई मीन इट्स नॉट लाइक ही कैन कैच मटको। हे ऐसा लग रहा है कोई रेल का इंजन है। He is the बब्बर शेर ऑफ पीपल फार्म। बब्बर शेर कल सो रहा था स्नोर करते हुए। Hey, not on the beds. Let's go. Yes, good boy. ठीक है, बस मुझे अब आपको अगर पीछे का दरवाजा खुला होगा तो मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाह रहा था जो हम बना रहे हैं, क्योंकि उसके बाद पीछे के जो हमारे जो रेजिडेंसीज हैं जिसमें दौलत राम ने रहना है, बिंद्रेश ने रहना है, उसके बाद वो भी खत्म ही है। ओ
पीछे का तो दरवाजा बंद है। तो खैर अपडेट तो मैंने आपको सारे दे ही दिए हैं। इसके अलावा ओह और ये आप इससे शायद काफी टाइम से नहीं मिले, इसका नाम चकली है, पहले इसका नाम गोटी था। रवीना जो हमारे साथ ही रहती है और हमारे साथ ही काम करती है, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलता। ओ एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, हमारे को डॉक्टर हिमांशु अभी मुझे दिखे नहीं, पर हमारे को इस हफ्ते उन्होंने डॉक्टर हिमांशु ने भी ज्वाइन किया है और हमारे साथ एक नए वीडियो एडिटर भी हैं वेनु, वो भी मुझे दिखे नहीं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। मैं आपको एक बार मीडिया ऑफिस ले जाता हूँ, शायद वो हूँ। तो अब हम लोग, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम रियल टाइम अपडेट्स देना चाहते हैं, तो अब क्योंकि वेनु हमारे साथ हैं तो शायद वो हम दे पाएंगे। बेसिकली अगर हम रेस्क्यू के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई नया एनिमल आ रहा है, कोई रिलीज हो रहा है, तो हम साथ साथ शूट करके कोशिश करेंगे कि पुश करें। बाय द वे मैंने आपको बताया था कि मैं शौकिया वो उगा रहा हूँ रुई, देखिए ये इसका फूल है और काफ़ी जगह अब इसके रुई आना शुरू हो गई है और इसी के अंदर इसके बीज भी रहते हैं। ओके लेट्स गो टू मीडिया ऑफिस। बाय द वे आज मेरा 11 बजे एक हैशटैग करो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मेरी वर्कशॉप है जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। यस वेनु है यहाँ पे। इशिता के दाढ़ में दर्द है, नॉट श्योर कि ये अपडेट में बताना चाहिए था नहीं, पर अब तो हो गया। थैंक यू बाय।